नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप सभी को मालूम है फ्रेंड, 25 जुलाई को जो है MPPSC प्री 2020 का एग्ज़ाम हो गया है। और मैं आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, 25 जुलाई को MPPSC प्री 2020 का एग्ज़ाम हो गया है, इसकी मॉडल आंसर की भी आ गई है। और दोस्तों, कल जो है 3 जुलाई है और कल का दिन जो है लास्ट डे है। यदि आपको लग रहा हो जो मॉडल आंसर की आई है उसमें किसी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत है, तो उस पर जो है दोस्तों आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आपत्ति कर सकते हो। उसकी एक प्रोसेस है, आप MPPSC की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है जो नए स्टूडेंट हैं उनको अभी ये नहीं मालूम है कि जब फाइनल आंसर की आएगी तो वो कैसी क्या आएगी, वही आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, MPPSC की जो आंसर की आएगी उसमें जो पूरे क्वेश्चनों का जो आंसर दिया रहेगा वो तीन टाइप से दिया रहेगा। एक तो दोस्तों जिन क्वेश्चनों का एक एक तो दोस्तों जो है जिन क्वेश्चनों के एक आंसर है, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर रहते हैं जिनके एक केवल एक आंसर है। दूसरा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके एक से अधिक आंसर है, तो दोस्तों वो सभी सही माने जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, MPPSC ने पिछले साल से ऐसा नियम बनाया है कि यदि एक क्वेश्चन में एक से अधिक उत्तर सही है तो वो सभी जो है सही माने जाएंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यदि किसी क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं तो वो दोनों सही माने जाएंगे, तीन सही हैं तो तीनों सही माने जाएंगे, यदि चारों सही हैं तो वो चारों सही माने जाएंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने दोस्तों इन चारों में से किसी एक पर टिक किया है तो सब उसको भी जो है मार्क्स मिलेंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने बी टिक किया है और बी भी उसका सही आंसर है तो दोस्तों उन दोनों को बराबर जो है मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो या फिर उनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है डिलीट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है MPPSC जो प्री की 2020 की आंसर की जो फाइनल आंसर की है वो आएगी, और उसी के आधार पर दोस्तों MPPSC प्री 2020 का रिजल्ट बनेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।